नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक बोधरे। चले शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला और सीधे आपको लिए चलते हैं संसद। कर्ज माफी के लॉलीपॉप में उलझे किसान, मूलधन के साथ लग रहा है 14% ब्याज। तो विभिन्न सोसाइटियां और बैंक भी कर्ज लेने से मना करने लगी है क्योंकि वे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे रहे। किसानों को पहले बिना ब्याज से सोसाइटी मिली थी, फिर समय पूर्ण होने पर एक साल में 3% ब्याज लगा और उसके बाद मूलधन पर 14% ब्याज लग रहा है। ऐसे में किसानों को 14% सोसाइटी को ब्याज पटाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें नोटिस के बाद ही नई सोसाइटी मिलने की उम्मीद है। वही डिफॉल्टर किसानों का कुछ कर्ज माफ हुआ है जिससे वे भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्षेत्र किसानों ने कर्ज माफी को लेकर जिम्मेदार सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से आला अधिकारियों से गुहार लगे, किंतु कर्ज माफी के लॉलीपॉप में उन्हें कोई राहत नहीं मिली। यह सब किसानों को मुसीबत से छुटकारा दिलाने में विफल साबित हुई है। ऐसे में अन्नदाता खून के आंसू रोने को मजबूर है। अधिकारियों को गुहार कर रहा है किंतु अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं और इनकी गुहार नहीं सुन पा रहे हैं। देखना है कब तक इनकी गुहार अधिकारी सुन पाते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। नगरीय चुनाव में हिस्सा लेने वाले पार्षदों की खर्च सीमा यूं तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय कर दी थी, लेकिन अब राज्य शासन ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने 2019 में एक याचिका दायर करके नगर निगम के पार्षदों के द्वारा चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि को तय करने की मांग की थी। इस पर हाईकोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने सुझाव राज्य शासन को दिए थे, लेकिन राज्य शासन ने इन सुझावों पर अमल नहीं किया था। इस पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने अवमानना याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि उन सुझावों को अब कानून का रूप दे दिया गया है और गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से उसे जारी भी कर दिया गया है। चुनावों में बेतहाशा पैसा खर्च किया जाता है और परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अरुण दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। चेतावनी के बाद में नहीं कहता विद्युत विभाग, खुले पड़े ट्रांसफार्मर में हो रही है हादसे के लिए आशंकाएं। जबकि तस्त पड़े हैं ट्रांसफार्मर, शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है विद्युत विभाग। पूर्व में हो चुके हैं कई हादसे, स्थानीय रहवासियों द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी हैं बेसुध। मीडिया द्वारा मामला बताने के बाद भी दे रहे हैं आश्वासन, किसी बड़े हादसे के इंतजार में है विद्युत विभाग। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग कब तक करता है ट्रांसफार्मरों की मरम्मत। मैं सुरेंद्र माझी, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, मंडी। कोरोना योद्धा की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद नगर पालिका में मचा हड़कंप। बड़वा नगर पालिका में एक मास्टर कर्मी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके द्वारा जांच सैंपल लेने के बाद भी नगर पालिका में कार्य करना जारी रखा, जबकि सूत्रों की माने के संक्रमित कर्मचारी अपने स्टाफ के घर आना जाना किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिका कर्मचारी साथ ही एक बजरंग घाट निवासी पुरुष की रिपोर्ट भी जांच पॉजिटिव पाई गई है। जब प्रशासन ने दोनों स्थानों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर सील कर दिया, प्रशासन की अनदेखी के चलते आज भी नगर सहित बाहरी क्षेत्रों से आने वाले नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण आगामी दिनों में कोरोना महामारी के नगर का खतरा बढ़ते नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नगर पालिका में कार्यरत करीब 70 से अधिक कर्मचारियों की स्कैनिंग की जा रही है, जिसके बाद 29 जुलाई को कुछ कर्मचारियों की जांच सैंपल लिए जाएंगे। नगर पालिका के कर्मचारी द्वारा जांच की बात छुपाए जाने के बाद काफी कर्मचारी सकते में। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अधिकारी इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सेन, बड़वा। इंदौर जिले के खजराना थाने को कोरोना संक्रमण के दौर में एक नई रूप व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर आज एसपी विजय खत्री थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इंदौर खजराने थाने का एसपी विजय खत्री निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां खजराने थाने में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई व्यवस्था रूप देखा दी गई, जिसको एक आदर्श थाना बनाया गया है, जिसमें हर आने वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाती है। वहीं आने वाले व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग की बैठक की व्यवस्था की गई, तो वहीं जो आवेदन है उसके एक सैनिटाइज मशीन की गई है। इन सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आज एसपी विजय खत्री पहुंचे थे, जहां थाने में हर आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वहीं सैनिटाइज, वहीं आवेदन को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। इस सारी व्यवस्था का एसपी विजय खत्री ने जायजा लिया है। इंदौर से एक पे रिपोर्ट अजय शेख। भोपाल के राधामोहन एयरपोर्ट से 1 जुलाई से चेन्नई, लखनऊ और आगरा के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है।
राजधानी भोपाल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से कोलकाता, चेन्नई और आगरा के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। भोपाल से हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई से भोपाल से कोलकाता, चेन्नई, आगरा और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को कनेक्टेड फ्लाइट मिल सकेगी। भोपाल के यात्रियों को लखनऊ और चेन्नई जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट से चेन्नई और लखनऊ के लिए सीधी उड़ान होगी और इंटरनेशनल फ्लाइट की हम बात करें तो दुबई की फ्लाइट भी भोपाल के राजाभोज एयरपोर्ट से जल्द शुरू हो सकती है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते महंगाई को लेकर महापौर एजाज देवर ने बहिष्कार किया अपने वाहन साइकिल से, पूरे दिन किया यात्रा। दरअसल देश में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। रायपुर के महापौर एजाज देवर भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज दिन भर वाहन का त्याग कर साइकिल से दौरा कर विरोध जताया है। महापौर ने केंद्र सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। महापौर ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने जनता से परेशान है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बैलगाड़ी लेकर प्रदर्शन करने वाले उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो मौन क्यों हैं? पहले महंगाई जेब काट रही थी, लेकिन अब बढ़ती महंगाई ने लोगों का पेट काटना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के भीतर पेट्रोल डीजल के 9-9 रुपए दाम बढ़ना एक चिंताजनक है। ऐसे स्थिति में जनता के पहले जेब कट रहे थे, लेकिन वर्तमान में पेट काट के जीने को जनता मजबूर है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंदौर नगर निगम ने अब राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम की टीम को घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया है। आर्थिक तंगी से गुजर रहे इंदौर नगर निगम की हालत कोरोना काल की वजह से और भी ज्यादा खराब हो गई है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए जहां नगर निगम लोगों के घरों पर टीमों को भेजकर राजस्व वसूली करवा रहा है, वहीं अग्रिम करदाताओं को लुभाने के लिए अग्रिम भुगतान पर छूट के समय सीमा को भी 31 जुलाई तक बढ़ा चुका है। दरअसल इंदौर नगर निगम प्रतिवर्ष 3 जून तक अग्रिम कर भुगतान करने वालों को संपत्ति कर और जल कर में 6% की छूट उपलब्ध कराता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से अग्रिम भुगतान की राशि में कमी आई है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने अग्रिम भुगतान की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं अब कचरा संग्रहण शुल्क के अग्रिम भुगतान पर भी 6% की छूट देने का प्रावधान किया है। निगम के अपर आयुक्त एस के कृष्ण चैतन्य ने बताया कि फिलहाल नगर निगम की कवायद की वजह से राजस्व वसूली में इजाफा हो रहा है। वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए इंदौर नगर निगम अब राजस्व वसूली को लेकर लोगों को ऑनलाइन भुगतान करने की ओर प्रेरित कर रहा है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। एक तरफ कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने की कवायद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर के लोगों की लापरवाही संक्रमण के खतरे को लगातार बढ़ा रही है। दरअसल लॉकडाउन के बाद लगातार मिल रही छूट के बाद शहर के कई स्थानों पर लोग कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज शहर की सबसे बड़ी मंडी के बाहर चौराहे पर नजर आया, जहां अवैध सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी। यहां व्यापार करने वाले व्यापारी और सब्जी खरीदने पहुंच रहे खरीदार कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ते नजर आए। मंडी के बाहर सजी इस अवैध मंडी में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आई, जिसकी वजह से कोरोना फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि नगर निगम लगातार अनाउंसमेंट करके लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दे रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम ने जब से सब्जी विक्रेताओं को चालानी कार्रवाई में छूट दी है, तब से लगातार सब्जी विक्रेता कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। इंदौर एक्सप्रेस रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। बीजेपी के नेता वर्चुअल रैली और महंगाई को छोड़कर तमाम बातें कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल में जिस तरीके से आग लगी हुई है, उससे पूरा देश जल रहा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को अभी मोदी सरकार की उपलब्धि दिख रही है, वर्चुअल रैली दिख रही है और दूसरे मुद्दे दिख रहे हैं, और प्रदेश सरकार में प्रदेश के सरकार की बुराइयां दिख रही है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रेस वार्ता लेकर के सरकार की जमकर आलोचना की है। इमरजेंसी को लेकर के केंद्र राज्य के कांग्रेस को भी कोसा है, वहीं तमाम तरीके के आरोप राज्य सरकार पर लगा है, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि आखिर पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे आम जनता को कैसे मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा दिया, राज्य सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो वैट कम कर दें, और केंद्र के नेताओं को जब उनसे जवाब पूछा गया तो उनका ये मानना है कि केंद्र के नेता केवल चिंता कर रहे हैं और चिंता से क्या होगा ये पता नहीं।
बीजेपी के नेता महंगाई को छोड़कर बाकी तमाम बातें कर रहे हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, इस पे कैसे निजात दिलाए। बिलासपुर से एक्सप्रेस रिपोर्ट शैलेंद्र पाठक। फर्जी दस्तावेज लगाकर नजुल की भूमि पर कब्जे का मामला, वार्ड 2 के लोगों ने थाने सहित राज्यसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन की कार्रवाई की मांग। बड़वानी शहर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित नजुल की भूमि पर अब्बासी पिता अकबर अली बोहरा और उसके भाई पर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नजुल की भूमि और अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने की शिकायत लेकर वार्ड क्रमांक 2 के रहवासी आज थाना बड़वानी और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी के पास पहुंचे और नगर पालिका द्वारा साठगांठ किए जाकर जमीन आवंटित करने की शिकायत की। रहवासियों की मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर राज्यसभा सांसद सहित थाना बड़वानी जांच अधिकारी के द्वारा मामला संज्ञान में आने की बात की, जिसकी जांच करवाकर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। फर्जी दस्तावेज लगाकर हत्याई गई नजुल की भूमि मामले में जहाँ राज्यसभा सांसद ने जांच का आश्वासन दिया, वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने उचित कार्रवाई की बात कही है। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। हर खबर देश के नंबर वन न्यूज नेटवर्क का नंबर वन न्यूज बुलेटिन यू स्टॉप नाइट रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे जुड़िए संसार से, हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। कम अबॉर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। जॉइन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। For the details, contact 1-800-300-26072। देखिए बात एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है, सीधे आपको ले चलते हैं सागर। जमाने के बाद अब कोरोना वायरस ने ग्रामीण अंचलों में पांव पसारना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ शहरी अंचलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में प्रशासन ने अपनी जी जान लगा दी है, साथ ही इसे कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता भी पा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अंचलों में कोरोना के अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए। बीते दिनों की रिपोर्ट पर यदि नजर डाली जाए तो जहां शहरी क्षेत्रों में कोरोना के मरीज ना के बराबर सामने आए हैं, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में रोजाना दर्जनों की संख्या में नए कोरोना संक्रमित सामने आने लगे हैं। शहर के लगे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कहर जारी है, वहीं ग्रामीण अंचलों की तरफ प्रशासनिक अमले की लापरवाही के चलते परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण अंचल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अंचलों में लगातार कोरोना वायरस की मरीजों की वृद्धि हो रही है, तो जिला प्रशासन की माथे पर चिंता की लकीर उभरने लगी है। सागर से एक्सप्रेस रिपोर्टर मुकुल शुक्ला। देवरी थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खिमलासा थाना की अपील, संपर्क में आने वाले की लंबी सूची को लेकर असामंजस्य में पड़ा विभाग। दरअसल में खिमलासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 61 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें पूर्व खिमलासा थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खिमलासा थाने को सैनिटाइज कर सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। थाना प्रभारी का स्थानांतरण होने के बाद थाने में विदाई समारोह में दर्जनों लोग शामिल हुए थे। सूचना मिलते ही खुरे AGM सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम खिमलासा थाने पहुंच गई। खुरे नियमों के अनुसार थाना प्रभारी के संपर्क में आए करीब 56 लोगों की स्कैनिंग कर होम क्वारंटाइन किया जाना है। वही देवरी थाने को भी सैनिटाइजिंग कर सील किया जा रहा है और संपर्क में आए व्यक्तियों की स्कैनिंग कर होम क्वारंटाइन करने की तैयारी में है। हालांकि खिमलासा थाना क्षेत्र में 100 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कुछ रिपोर्ट आना अभी बाकी है, जो प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अशफाक अंसारी। राज्य सरकार की अनुमति के बाद आज से खुल गए राजधानी के सभी मॉल। मामले में निजी मॉल के जनरल मैनेजर राज कुजूर ने बताया कि आज हमें खुशी हुई है कि मॉल खोले गए,
यहाँ तमाम एहतियात बरती जाएगी। हर घंटे मॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हमारे पास पर्याप्त गार्ड भी मौजूद है, यदि किसी तरह से भीड़ बढ़ती है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही मॉल के अंदर संचालित दुकानों में भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कस्टमर्स की संख्या ज्यादा न हो, अधिक संख्या होने पर उन्हें बाहर इंतजार करने को भी कहा जाएगा। बता दें कि मॉल में ज्यादा भीड़ ना बने इसके लिए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। विश्व जहां कोरोना से लड़ रहा है, डॉक्टर पुलिस सभी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रिंस जैन भी पिछले 3 माह से अपने घर नहीं गए हैं। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रिंस जैन कोरोना काल में व्यवस्था के बीच डॉक्टर जैन ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। कोरोना वायरस संक्रमण ने उनके जीवन में नया मोड़ ला दिया। दरअसल उनकी योग्यता कार्य कुशलता को देखते मरीजों के इलाज की जवाबदारी सौंपी गई। उन्होंने करीब 1 माह तक आइसोलेशन में पहुंचने वाले मरीजों को उपचार किया। इस बीच कोविड 19 अस्पताल की शुरुआत की गई, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर जैन को मिली। तब से वे कोरोना संक्रमितों का उपचार करते आ रहे हैं। शुरुआती दिनों में प्रिंस जैन के परिजनों ने 1.5 माह का समय रायपुर में गुजारा। उनकी अनुपस्थिति में डॉक्टर जैन अकेले ही घर आते जाते रहे। उन्हें आसपास के लोगों की मदद मिलती रही। परिजनों के घर लौटने के बाद डॉक्टर जैन ने ACCL के गेस्ट हाउस को ही अपना आशियाना बना लिया। वह लगभग 2.5 माह तक ACCL के गेस्ट हाउस में रहकर जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। वो अपने घर वालों से वीडियो कॉल कर बातचीत करते रहते हैं। डॉक्टर प्रिंस जैन जिला अस्पताल में पदस्थ हैं, वहीं उनको कोविड अस्पताल का प्रभार दिया गया है, जहां अपनी टीम के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। शादी को उनके कुछ माह हुए हैं, उसके बावजूद भी वो पूरा काम अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। कोरबा से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज यादव। मुंगेली जिले के जरहा गांव स्थित ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अव्यवस्थित तरीके से विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिसके चपेट में एक मवेशी की मौत हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों ने इस लापरवाही पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेक अभियान चला रही है, जिसे आवारा मवेशियों को रोक कर निश्चित जगहों पर रखा जा सके और किसानों का फसल बर्बाद ना हो सके, लेकिन मुंगेली जिले के जरहा गांव में मवेशियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर दुर्घटना होने की संभावना के साथ ही फसलों को काफी मात्रा में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वही जरहा गांव स्थित ग्रामीण बैंक प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही भी इस दौरान सामने आई है, जहां बैंक के गेट के पास लगाए गए अर्थिंग तार के चपेट में आने से आवारा घूम रहे गांव के ही एक मवेशी की करंट लगने से मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर बैंक प्रबंधन द्वारा खुद की लापरवाही पर पर्दा डालते हुए जानवर मालिक को इस घटना के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि लापरवाही पूर्वक बैंक प्रबंधन द्वारा विद्युत सप्लाई की जा रही है, जिसके जानवरों के अलावा आम लोगों के भी जान को खतरा है। बहरहाल ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर बैंक प्रबंधन द्वारा अव्यवस्थित तरीके से सप्लाई की जा रही विद्युत कनेक्शन में सुधार नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। रतलाम के जिला जेल में दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा एक कैदी आज रतलाम जिला चिकित्सालय से उस समय फरार हो गया जब उसको उपचार के लिए वहां पर जेल वार्ड में भर्ती किया गया था। रतलाम जिला जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा कैदी जिला हॉस्पिटल के जेल वार्ड से फरार हो गया। यह कैदी गेंदालाल लहे जो बाडना के एक गांव का निवासी बताया जा रहा है, इसको 10 साल की सजा लैंगिक अपराधों के लिए दी गई थी और इसने 7 साल की सजा भी काट ली थी। आज सुबह इसने सीने में बेचैनी और घबराहट की शिकायत पुलिस जेल प्रशासन को करी थी, जिसके पश्चात उसको रतलाम जिला चिकित्सालय के जेल वार्ड में भर्ती किया गया था, जहाँ से जेल वार्ड में जब पुलिस पहरे के दौरान पुलिसकर्मी को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कैदी के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके पास पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जिले की सीमाएं सील कर दी गई और सरगर्मी से उसकी तलाश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा स्टेशन रोड थाने पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रतलाम से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमित निगम। ग्वालियर की सीमा में दाखिल होने से पहले एक बार फिर अब लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। ग्वालियर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जाएगा फिर से शहर के बॉर्डर पर सख्ती शुरू हो गई है। आज से मुरैना दिल्ली के निरावली तिराहे बॉर्डर और भिंड इटावा रोड के बरेठा पुल पर चेकिंग पोस्ट स्थापित की गई है, जहां पर डॉक्टर की टीम शहर में हर आने जाने वालों की जांच करेगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई संक्रमित तो शहर में प्रवेश नहीं कर रहा है। कलेक्टर कौंसलेन विक्रम सिंह ने इन बॉर्डरों पर जांच व्यवस्था बढ़ाने के आदेश दिए हैं
इसके बाद झांसी बाईपास और छिपरी लिंक रोड पर भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। अफसरों का मानना है कि दिल्ली, मुरैना और भिंड की साइड से आने वाले लोगों में ज्यादा संक्रमण मिल रहा है, इस कारण शहर के लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए बॉर्डर पर स्क्रीनिंग, वहाँ से होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन के साथ टेस्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल में इस समय भिंड और मुरैना में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है और ग्वालियर में भी अभी हाल में जो संक्रमित मरीज आए हैं उनमें दिल्ली से आने वाले 40 शामिल हैं। यही कारण है कि बॉर्डरों पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और साथ ही वहाँ जाँच की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन नहीं होने के कारण बरसात में बिककर खराब हो गया है। प्रदेश सरकार ने किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसको लेकर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू की और गेहूं खरीदी केंद्र बनाए थे, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते शाजापुर जिले में ही 30 गेहूं खरीदी केंद्रों पर लगभग 3000 क्विंटल गेहूं पानी में भीग कर खराब हो गया। साथ ही इनसे निकलने वाली बदबू से अब बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर समय पर गेहूं का परिवहन होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। परिवहन में देरी को लेकर कलेक्टर ने जिला विपणन अधिकारी को नोटिस थमा कर जवाब मांगा था, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या नहीं। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। रायपुर में बढ़ी साइकिलिंग करने वालों की संख्या, पुलिस ने बैठक लेकर जारी किए दिशा निर्देश। महिलाओं को आभूषण पहनकर साइकिलिंग न करने की दी गई सलाह। लॉकडाउन खुलने के बाद राजधानी रायपुर में साइकिलिंग का क्रेज बढ़ने के साथ ही साइकिलिस्टों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है, जो शहर के भीतर भीड़भाड़ क्षेत्रों में सिग्नल लगे चौक चौराहों में खतरनाक ढंग से साइकिलिंग कर रहे हैं। ऐसे साइकिलिस्टों की सुरक्षा एवं अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने शहर के साइकिलिस्ट क्लब के सदस्यों की बैठक आयोजित कर साइकिलिस्टों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उनके लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं साइकिलिंग करने वाली महिलाओं को देर रात नेशनल हाईवे और सुनसान इलाकों में न जाने और आभूषण पहनकर साइकिलिंग न करने की सलाह भी रायपुर पुलिस द्वारा दी गई है। रायपुर पुलिस ने साइकिलिस्टों को साफ कहा है कि साइकिलिंग के दौरान वो यातायात नियमों का पालन करें, अगर ऐसा उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई भी होगी। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। झमाझम बारिश से राजधानी भोपाल तरबतर, पारे में हुई गिरावट दर्ज। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इस बार मानसून सही समय पर आ गया है, जिससे अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 20 जून को यहां पर मानसून आना था और मानसून सही समय पर आया, जिससे कि बराबर पिछले 3 से 4 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। इससे पारा में गिरावट दर्ज तो की जा रही है, तो वहीं जो खुले में गेहूं रखा हुआ है किसानों का और सरकार का, वो जरूर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भीगने की कगार पर है। तो वहीं किसान इस बारिश से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब फसल करने में सूखा जैसी आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही समय पर मानसून आने से राजधानी सहित पूरे प्रदेश में बारिश अच्छी हो रही है, जिससे कि कहीं न कहीं पारे में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं खुले में पड़ा हुआ गेहूं सड़ने की कगार पर है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेगा जाति व निवास प्रमाण पत्र। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के छात्र छात्राओं और आमजनों को एक बड़ी राहत देते हुए अब जाति और निवास प्रमाण पत्र उनके घरों में ही प्रदान करने की सुविधा मुहैया कराई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जाति और निवास प्रमाण पत्र के वितरण और सरलीकरण करते हुए प्रमाण पत्रों को आवेदकों के घर पहुँच सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। बता दें कि जारी आदेश के तहत जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात संबंधित आवेदकों से उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में भाग लिया। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। PHQ में अलग अलग विभागों के ADG स्तर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में किए गए कार्य और परेशानियों पर अधिकारियों से चर्चा की गई। पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए 4,279 आरक्षकों की भर्ती पर सहमति बनी। केंद्र को भी प्रस्ताव भेजे जाएंगे, जिनको लेकर केंद्र की योजनाओं पर लागू किया जा सके। प्रदेश में इंटेलिजेंस किन किन विषयों पर चल सकती है, इस पर भी चर्चा की गई। इसी प्रकार से कई महत्वपूर्ण
विषयों को लेकर चर्चा में भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रदेश की जो इंटेलिजेंस है किस प्रकार से और कहां उपयोग हो सकती है इस पर भी चर्चा की गई। देखना होगा क्या इंटेलिजेंस का कार्यभार और बढ़ता है या नहीं। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर दुबे भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी चाइना इफेक्ट नजर आने लगा है। एलएसी पर बने भारत और चीन सेना के बीच तनाव के हालातों के बीच चीन को लेकर देश के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आज सुबह बीजेपी मुख्यालय पहुंचे पूर्व सांसद प्रभात झा ने चाइना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर चीन का एजेंट होने का आरोप मढ़ दिया। झा ने कहा कि कमलनाथ जब वाणिज्यिक मंत्री थे तब चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस आरोप को लेकर प्रभात झा की जमकर आलोचना की है। जाहिर है चीन को लेकर उपजे आक्रोश को राजनीतिक दल आगे भी अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश जारी रखेंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। दुनिया भर में बढ़ते कोरोना मरीजों के बाद अब जांजगीर चांपा जिले में भी लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार जो है इजाफा होना शुरू हो चुका है। देशभर में कहर बनकर टूट रहा कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब जांजगीर चांपा जिले में भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जहां इस वायरस ने साधारण प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन में रियायत मिलते ही लोग अब इस वायरस को पूरी तरीके से भूल चुके हैं और लापरवाही बरतते हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वहीं जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या ने जिम्मेदार अधिकारियों की नींद उड़ा रखी है, मगर लोग जो है इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते अधिकारियों की परेशानी अब और बढ़ चुकी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल जानिए। गंधवानी विकास खंड के ग्राम पंचायत अजंताड़ के ग्रामीणों ने लगाया सरपंच सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों ने सौंपा आवेदन की जांच की मांग। ग्राम पंचायत अजंताड़ के ग्रामीणों का कहना है कि हमारे सरपंच और सचिव के द्वारा पंचायत स्तर पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है एवं सरपंच सचिव के द्वारा कार्य पूर्ण होने से पहले ही राशि का हरण कर लिया जाता है। गांव में न तो किसी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, और तो और गांव में कई जगहों पर सीसी रोड के कार्य भी अधूरे पड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके उसकी राशि निकाली जा चुकी है। इन तमाम बातों को लेकर ग्राम पंचायत अजंताड़ के ग्रामीण भारी संख्या में एकत्रित होकर गंधवानी के जनपद कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेंद्र जाट को आवेदन सौंप कर जांच की मांग की। देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा की जाने वाली जांच में सरपंच सचिव पर किस तरीके की गाज गिरेगी, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। गंधवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। एक्सप्रेस रिपोर्टर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस।